हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि वालों को, क्या रहा है 15 दिनों में। लिब्रा तुला राशि 15 सितंबर से 30 सितंबर। थैंक यू सो मच। सन ओके, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है फूल और हायरोफेंट स्टार स्ट्रेंथ ग्रेट। ओके, ओके, दो ही कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल एंड डोर टू वैल्यू, ब्यूटीफुल। ब्रोकन हार्ट एंड ऑल टाइड अप। ओके माय डियर, अभी की स्थिति तो आपकी मुझे ऐसी लग रही है। वाओ, कि आप किसी आप किसी फंसी हुई या स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो लिब्रास, अपनी सिचुएशन में से। आपका हार्ट चक्रा बेसिकली हील हो रहा है, या तो आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए आने वाले समय में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। सन की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक फूल की एनर्जीज भी आई थी। तो आपको यहाँ पर इस समय बोला जा रहा है कि अपनी विजडम से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। जितना आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे, उतनी ही आपकी स्थिति में सुधार आएगा, उतने ही आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग डिसीजंस ले पाओगे, उतनी ही अबंडेंस को, आप खुशियों को, अच्छे स्वास्थ्य को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। या जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन बेसिकली आप चाहते हो, जो भी बैलेंस आप रिस्टोर करना चाहते हो, जिस भी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के या ओवरऑल लाइफ को लेकर के, वो बैलेंस आपकी लाइफ में रिस्टोर होगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चेंज को अपनाना पड़ेगा। चेंज यहाँ पर स्पेसिफिक है आपके लिए, क्योंकि फूल भी एक न्यू जर्नी की बात करता है, कहीं ना कहीं एक नए ट्रैवल की बात करता, न्यू बिगनिंग की बात करता है, ठीक है। और ऑल टाइड अप का जो यहाँ पर कार्ड है ना, हालांकि ये एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पर फाइव नंबर बना हुआ है कि आपको बेसिकली बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। या तो आपको अपने माइंडसेट को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, या फिज़िकली कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पर मैं कहूँगी शॉर्ट हॉलिडे प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर कहीं पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है, या फिर जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ चेंज यहाँ पर बेसिकली चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि जिस सिचुएशन में या जिस स्थिति में या जिस प्लेस पर आप अभी हो, वहाँ मुझे किसी ना किसी फॉर्म में आप स्टक्ड फील लग रहे हो, मतलब फील हो रहा है मुझे कि स्टकनेस है वहाँ पर। आप पूरी तरीके से ना अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहे हो, वो फ्रीडम वाली एनर्जीज नहीं है ना। ये हो सकता है या तो आप पूरी तरीके से जैसे खुल करके सोच नहीं पा रहे हो,
या फिर जिसे कहते हैं कि वो फैसले नहीं ले पाना, या फिर बेसिकली जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए भी। तो अपने हार्ट चक्रा पर जितना आप काम करेंगे, अपने हार्ट चक्रा को जितना आप हील करेंगे, ठीक है, जितना इसे बैलेंस करेंगे, हील करेंगे, हील करना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना वुंडेड हार्ट दिखाया है, ज़ख्मी हार्ट है ये, ठीक है, जो कि ये मांग कर रहा है कि इसको केयर की ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए, क्योंकि ये अब वक्त आ गया है कि इसको अब हील करने का वक्त। 9 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है, वैसे देखा जाए तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होती है, लेकिन यहाँ पर ये 9 नंबर का कार्ड है, तो बोला जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है इसे पूरी तरीके से हील करने का, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तैयारी, या फिर मैं कहूँगी एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर तैयारी है। ओके, तो जो भी आप जिस भी फॉर्म में, जिस भी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के आप, आपकी लाइफ में स्टकनेस है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स इश्यूज हो, चाहे वो आपके जॉब करियर फाइनेंसेस हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है ब्लॉकेज आपकी, आपका हार्ट चक्रा है माय डियर। ओके, तो जो भी चाहे यहाँ पर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर किसी सिचुएशन के साथ किसी सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है, फादर हीलिंग की ज़रूरत है, मदर हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपके जो भी यहाँ पर कोई इवन चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इनर चाइल्ड हीलिंग की यहाँ पर बात हो सकती है, तो आपको बेसिकली उस वुंड को हील करने करना है इस मोमेंट पर, ठीक है। यस, काम, ये भी जब कार्ड मुझे दिखा था ना, तो ये कार्ड पता है मुझे क्या बताता था, हालांकि ये सक्सेस के बारे में बताता है, ठीक है, ये भी एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, लेकिन ये साथ में काम मांग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना, जैसे कि ये एक पहाड़ है, और अगर आप, आई डोंट नो, देख पा रहे हैं कि नहीं, आई एम सो सॉरी अगर नहीं देख पा रहे, तो यहाँ पर एक रेड कलर से ना, जैसे कि ब्लड ब्लड सा, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये लावा है, जैसे कि होता है ना वोल्केनो, तो ये दिखा रहा है कि अभी स्थिति, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी एग्जैक्टली सुधर रही है, या फिर सुधर रही है, यस, आपको उस स्थिति को सुधारने के लिए वो काम करना पड़ेगा, आपके दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ये भी जैसे कि सूर्य देव को ना, ये जो इंसान है, ये पोस्चर देख रहे हैं, सूर्य नमस्कार जिसे हम कहते हैं, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ को पाने के लिए, कॉन्फिडेंस को पाने के लिए, या जो भी सिचुएशन है उसे हील करने के लिए, उनसे प्रार्थना कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा। यस, जितना आप करेंगे, कर्म करेंगे स्पेसिफिक अपनी एक, जिसे कहते हैं कि नई शुरुआत को लेकर के, कि एग्जैक्टली मुझे नई शुरुआत करनी है, या फिर मुझे मेरी लाइफ में इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, तो एग्जैक्टली वो ब्लॉकेज है क्या, ठीक है, तो काम उस पर करना है, राइट? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो भी है, तो एग्जैक्टली मैं तो सन की एनर्जीज के साथ काम कीजिए, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि सुबह उठ करके सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी भी ये जो एनर्जीज है ना, देखिएंगे ना आप, जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करेंगे ना, उसके रिजल्ट्स आपको साथ ही साथ मिलते जाएंगे, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे, आप अपनी लाइफ में ना, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, आपको इस हीलिंग की वैल्यू यहाँ पर समझ में आने वाली है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर यहाँ पर ओपन होगा, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड होता है, तो हम अपने खुद की ही केयर नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़, या फिर जो भी, खासकर हो सकता है सैक्रल चक्रा, जो आपका सेकंड चक्रा है,
आइडियाज़ को लेकर के, क्रिएटिविटी को लेकर के, मे बी आप क्रिएटिव साइड से कनेक्टेड हों, ठीक है, या फिर आप किसी मीडिया क्षेत्र से ऑब्वियस है हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी मतलब इस तरीके की सिचुएशन जो भी है आपकी, तो कहने का मतलब वो चीज़ें आपको लगेगा कि देख मेरे अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर मैं उस चीज़ के लिए ओपन हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। और आपके ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी चेंजेस हैं जो आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं इस हीलिंग के दौरान, या इस हीलिंग को करते करते वो दुनिया को, या फिर दुनिया इन द सेंस जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन्हें भी वो विजिबल होंगे। आपको तो फील होगा ही होगा, लेकिन वो आपके आसपास के लोगों को भी विजिबल होंगे। तो बेसिकली ये सिचुएशन जो है आपके अंदर बहुत चेंजेस लाने वाले हैं, आपके अंदर बहुत बैलेंस रिस्टोर होगा माय डियर। तभी आपके लिए यहाँ पर डोर टू वैल्यू जो मैसेज आया है कि आपके लिए यहाँ पर जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, बेसिकली ब्लेसिंग्स के, एक लाइट के। ये जो भी अंधेरा टाइम था, ये जो भी आपका डाउनवर्ड सिचुएशंस थी, या फिर नेगेटिव सिचुएशंस थी, या ये भी ये जो भी आपका चला आ रहा था सिचुएशंस, उनसे अब बाहर आने का वक्त आपको आपका आ गया है। लेकिन ये आपके लिए फोकस पॉइंट रहने वाला है। फोकस इस पर कीजिए कि किस तरीके से अपने हार्ट चक्रा को आप हील कर सकते हैं। आप गॉडेस कह लीजिए, मदर कह लीजिए, क्वान यिन के साथ काम कर सकते हैं। उनके साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो प्यार की देवी हैं, कंपैशन की देवी हैं, ठीक है, और वो आपके हार्ट चक्रा को हील करने में बहुत मदद करेंगी। उनके मंत्रास आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनके मेडिटेशन कर सकते हो, उनके मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं है ना तो सिर्फ उनके मंत्रास को आप लगा लीजिए, ठीक है, उनके मंत्रा को सुनिए और उनसे दिल से प्रे कीजिए। एक मदर फॉर्म में अगर आप उनसे कनेक्ट होंगे ना, तो वो वर्क बड़ी जल्दी होता है, समझ रहे हैं। और अपनी इंटेंशंस को ऑलवेज प्योर रखिए, उनसे मदद मांगिए कि वो आपके हार्ट चक्रा को हील करें, आपके वुंडेड्स को, आपके जो भी वुंडेड हार्ट है, जो भी वुंड्स हैं आपके, उनको हील करें और आपके हार्ट चक्रा को ओपन करें। आप अपने अंदर बहुत बदलाव देखेंगे, आप अपने अंदर, आप उस वक्त में ही देखेंगे कि आपके इमोशंस किस तरीके से बाहर आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। यस, लेट्स सी अगेन। ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर की एनर्जीज है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये 10 नंबर की 19 नंबर है, तो 10 नंबर एक न्यू बिगनिंग। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक आप वूंड, या फिर जो एक सिचुएशन को, ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है आपकी जो पिछले लाइफ टाइम से चलती आ रही है, जिसे हील करने की बहुत ज़रूरत है। खासकर रिश्ते, रिलेशनशिप्स कनेक्ट हो सकते हैं। मे बी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज दिखाता है आपके हार्ट चक्रा का। लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रास को। ये 15 दिन उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, करियर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ, लिब्रा तुला राशि, 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, देन हायरोफेंट, देन यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ओ डेथ, माय डियर लिब्रास, थोड़ा सा इस फील्ड, इस सिचुएशन से हट करके थोड़ा बात कर लेते हैं। जो मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है, आपके एंसेस्टर्स, मैं ऑलवेज बोलती हूँ ना, ये कार्ड मुझे ऑलवेज एंसेस्टर्स के बारे में बताता है, ठीक है। आपके जो अपने बड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको बेसिकली एक
किसी ऐसे पैटर्न को ना फिनिश करने में और आपकी सिचुएशन को हील करने में आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। हो सके तो अपने एंसेस्टर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से, डिवाइन फ्रिक्वेंसी से ना कनेक्ट होइए। ओके, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके डिसेडेड वंस हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं किसी पैटर्न को। बेसिकली ये पैटर्न मुझे कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न या फिर कोई ये एंसेस्ट्रल हीलिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये पीछे से चलती आ रही है, मैंने आपको ये बात बोला है कि ये सिचुएशन अभी की नहीं है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस लाइफ टाइम में है, ये पिछले लाइफ टाइम्स, समझ रहे हैं आप, वहाँ से चली आ रही है। तो अब वक्त आ गया है कि उस पैटर्न को ब्रेक करने का, और उस पैटर्न को ब्रेक, पैटर्न नहीं कहूँगी, उस सिचुएशन को, उस कर्मा को हील करने का, राइट। आप बहुत ही वाइज सोल हो और आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को बेसिकली इसी एक बड़े मेजर काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त, आपके अंदर बहुत नॉलेज है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप उनके साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उनसे डेफिनेटली कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, उनसे मदद मांगिए। ड्रीम्स में, ड्रीम्स के थ्रू वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। जितनी भी कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स आपको हैं, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है इस मोमेंट पे या किसी सिचुएशन को लेकर के, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं हमसे कनेक्ट हो, हम तुम्हें वो क्लैरिटी देंगे बेसिकली। तो इस मोमेंट में आपका ड्रीम जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आपको मैसेजेस रिसीव हों, या फिर आप जैसे ड्रीम्स में अगर आपको कुछ अजीब से सपने आते हैं बहुत ही, ठीक है, आप उन्हें लिख लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त वो चीज़ें समझ में आ जाएं कि वो आपको क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन यस, उसको लिख लेना है आपको, और जब कभी आप, जब आप फ्री हों, ठीक है, जब आपके पास समय हो, तसल्ली से उसे पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें कनेक्ट होंगी ही होंगी आपसे, क्योंकि वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं। आपकी विजडम, आप बहुत वाइज हो लिब्रास, लेकिन किसी पैटर्न को ख़त्म करने के लिए, किसी कर्मा को कंप्लीट करने के लिए, किसी कार्मिक पैटर्न को हील करने के लिए आपके लिए गाइडेंस बहुत है। और यहाँ पर वो मैसेज है कि आप रिसीव कर भी लोगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो मैं जैसे अभी आपको यहाँ पर वो मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, हो सकता है वो मैसेज आपसे अभी तुरंत, अभी आपसे बहुत कनेक्ट कर गया कि यस, मेरे हार्ट चक्रा में ही प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, मुझे, मैं लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ, मैं प्यार अपना व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, या फिर वो एक होता है ना कि आप लोगों से उतना खुल करके कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, गुस्सा आपको हो सकता है ज़्यादा आता हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये सभी ब्लॉकेजेस हैं। आप इसके बारे में, जब हम किसी चीज़ को हील करने के बारे में सोचते हैं ना, या फिर किसी चीज़ पर काम करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए ना हमें स्टडी कर लेनी चाहिए, उसकी सर्चिंग कर लेनी चाहिए। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ गूगल कीजिए, यूट्यूब पर जाइए और ढूंढिए, सर्च कीजिए कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ब्लॉकेजेस के, हील किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स हैं। एफिमेशंस भी आपको वहाँ पर मिलेंगी, क्रिस्टल्स भी होते हैं, बहुत चीज़ें, बहुत टेक्निक्स होती हैं, योगा पॉजेस होते हैं, चैंटिंग्स होती हैं, ठीक है, मेडिटेशंस होती हैं, तो उन पर काम कीजिए। ये वक्त अब काम करने का है, मेहनत करने का है माय डियर, क्योंकि आपकी तरफ ना अब आप एक नया साइकिल ओपन कर रहे हो। और ये कोई, देखिए, कोई भी साइकिल छोटा बड़ा नहीं होता है, राइट।
लेकिन आपके लिए यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ ना, तो आपकी जो लाइफ का ना बिल्कुल यू टर्न हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि टेम्परेरी ब्लेसिंग्स और एक होती है परमानेंट ब्लेसिंग्स, तो आप वो परमानेंट ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। परमानेंट ब्लेसिंग्स कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना सन कार्ड क्या बता रहा है, लाइफ पर्पस को जीना, ठीक है। तो अभी ये जो प्रोसेस आपका चलेगा ना, ये जो भी आपका न्यू बिगनिंग हो रही है, ये जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, जिस पर भी काम कर रहे हो आप बेसिकली अपने लाइफ पर्पस को जीने जा रहे हो आगे, मतलब उससे कनेक्ट हो रहे हो। तो उसके लिए आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप लोगों को पता भी हो, या फिर आप लोगों को किसी तरीके से ये चीज़ें पता चली भी हो पहले, लेकिन आपने उन्हें लाइट वे में देखा, उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करा। ओके, हालांकि यहाँ पे सेकंड चक्रा है, लेकिन आपका कनेक्शन हार्ट चक्रा से है। ओ माय गॉड, यहाँ पर को इंसिडेंटली मैंने यहाँ पर भी जो कैंडल्स जलाई हुई हैं वो भी ग्रीन एंड पिंक कलर की हैं। तो यस, ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है आपके लिए, राइट। तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ में यहाँ पर मैं एक न्यू एनर्जीज आपके लिए देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर कि आपकी आप जो है कनेक्ट अगर कर पा रहे हो ना, और आप उस पर काम करोगे, तो आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके आसपास लोग ऑब्जर्व करेंगे उस उन उन चेंजेस को आपके अंदर, उन आते हुए उन बदलावों को वो महसूस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यस, एक नई शुरुआत आते हुए मैं देख रही हूँ आपके अंदर। वो जो एक केयरलेसपन था ना, केयरलेसनेस थी रिश्तों को लेकर के, या फिर वो एक चार्म जिसे कहते हैं कि वो कम हो गया था, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके पर्सन को लेकर के वो चार्म जिसे कहते हैं कि लौटता हुआ वापस आ रहा है। मैं एकदम से नहीं कह रही एकदम से सिचुएशंस हील हो जाएंगी, एकदम से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उस प्रोसेस में आओगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देख रहे हैं पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स है, देन टू ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। कहने का मतलब बैलेंस धीरे धीरे आएगा, एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप करके आप ऊपर चढ़ रहे हो। अभी वो आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप्स बेसिकली हैं आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो भी है, ठीक है। धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आपको आती हुई दिखेगी, वो चेंजेस आपको, पॉजिटिव चेंजेस आपको आते हुए दिखेंगे। वो एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ। और जो लोग यहाँ पे न्यूली मैरिड कपल्स हैं, या फिर जो कपल्स, जो मैरिड कपल्स हैं, जो लोग यहाँ पर कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, मैं यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जीज भी देख रही हूँ आपके लिए इन 15 दिनों में। ओके, और जो लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं ना, आपको बच्चों के माध्यम से, मतलब बच्चों को लेकर के अपने आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपके बच्चों की लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नया वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है जो आपको बहुत खुश कर देगी बेसिकली, वो एक गुड न्यूज़ ही हुई, ठीक है। किसी भी फॉर्म में कोई गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। और एक बात और यहाँ पर लिब्रास में आपको बोलना चाहूँगी, ये जो भी चीज़ें, ये जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो ना, आप बहुत गाइडेड हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो, और डिवाइन की पूरी निगाहें हैं आप पर, आपको देखा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स के, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, जिन भी शक्ति से आप कनेक्ट करते हो ना, वो आपको देख रहे हैं। इवन अगर आप किन्हीं आपकी लाइफ में कोई गुरु भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, या फिर कोई टीचर, कहने का मतलब वो आपकी सिचुएशन में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। बेसिकली आप गाइडेड हो, ओके, तो डरना नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, ब्यूटीफुल। वो बैलेंस जो डिसबैलेंस आपके रिलेशनशिप्स में था, आपकी लव लाइफ, आपके जो भी चीज़ें हैं, मतलब अदर रिलेशनशिप्स, उन सभी में मैं वो एक बैलेंस रिस्टोर होते हुए देख रही हूँ। इवन यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मैं एक न्यू यहाँ पर नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। लेकिन माय डियर सिंगल्स लिब्रास, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये जो भी पास्ट का बैगेज है ना, पहले उसे कट करो,
ओके जो भी पास्ट का जो मैं बोल रही हूँ आपको हील करना बेसिकली, या फिर अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका रहा और उसमें आपको बहुत आपने नेगेटिविटी देखी है, बहुत कुछ सहा है, या फिर कुछ भी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो पहले उस बोझ को यहाँ पर कट करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में कोई एक न्यू, जिसे कहते हैं ट्रू सोलमेट कनेक्शन में एंट्री करते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप उस पर काम करते हो ना, तो फिर आप तैयार हो, वो चीज़ें आपके लिए, वो रास्ते ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ओके और मुझे ऐसी वाइब्स भी मिल रही है लिब्रास की, इन 15 दिनों में आप जो भी ये हीलिंग कर रहे हो ना, उसके आपको बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही विजिबल मैं कहूँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिएगा, ओके मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या चेंजेस आप देख रहे हो अपनी लाइफ में। ओके अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर को लेकर के। करियर में यहाँ पर आपके लिए 10 of Wands है माय डियर, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, प्लीज़ 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 इतना प्रेशर मत लो, ठीक है। जो भी बर्डन आप कैरी कर रहे हो, जो भी बोझ आप ढो रहे हो, या फिर अपने आप को बर्डन कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो ना, मे बी इस वक्त में काम का आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करियर वाइज ज़्यादा आ रही हैं, तो प्लीज़ उतना काम लें जितना आप कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अननेसेसरी काम आप लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बर्डन्स लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आप दूसरे लोगों का भी बर्डन अपने ऊपर उठा रहे हो इन करियर। ओके तो चीज़ों को इन 15 दिनों में बांटिए, जितना आप काम कर सकते हैं, जो आप अपना काम कर सकते हैं उतना काम करने की ज़रूरत है आपको। बाकी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या किसी को दिखाने के लिए, या फिर आपको लगे कि भाई मुझे तो फेम, नेम फेम चाहिए, या फिर मुझे ग्रोथ चाहिए, उस चक्कर में अगर आप ओवरलोड कर लेते हैं अपने ऊपर, तो फिर दिक्कत आप ही को होगी, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। ओके तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचिए, जितना काम है उतना कीजिए, जितना आप कर पा रहे हैं उतना कीजिए। ओके बाकी यहाँ पर हेल्थ को अगर लेकर के बात की जाए यहाँ पे, तो हेल्थ में आपकी हेल्थ बैलेंस्ड है यहाँ पर। अगेन बोलूँगी पानी ज़्यादा पिए, पानी की एनर्जीज है वाटर, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना है, बाकी आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत बैलेंस्ड रहेगी। हेल्थ में मुझे कोई इशू आता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जहाँ आप इतना काम कर रहे हो अपने लिए समय निकालिए। डिहाइड्रेशन की एनर्जीज मुझे थोड़ी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर, तो डिहाइड्रेट ना हो कुछ ऐसा, अगर आप काम कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, तो पानी, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है पानी ज़्यादा पियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे कि ड्राई ड्राई माउंटेन्स है ना यहाँ पर, तो पानी की नीड यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, नहीं तो हीट, आपकी बॉडी ज़्यादा हीट अप हो सकती है। ओके तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीना है आपको। माय डियर लिब्रा, स्पिरिचुअलिटी में आप जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सक्सेस की तरफ आगे जा रहे हो, ठीक है। आप जो भी डिवाइन से जानना चाहते हो, वो क्लैरिटी आपको फॉर श्योर मिलेगी, वो कनेक्शन आपका मैं यहाँ पर बैठते हुए देख रही हूँ डिवाइन के साथ। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का ना बर्डन कैरी मत करो, ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करो। एक होता है ना कि हम हंसी खुशी या फिर एक फ्लोलेस एनर्जीज़ में, एक प्लेफुल एनर्जीज़ में हम कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, लेकिन एक होता है कि नहीं हमें तो करना है, हमें तो करना है, एक वो वाली एनर्जीज़ होना, तो ऐसी एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि अपने आप को फोर्स भी मत करो, तो अगर नहीं कर रहे हो तो मत करो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिसेस डेली करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपको यही बता रही है कि कंसिस्टेंट आपको रहना है, रेगुलर आपको रहना है, जो भी आप कर रहे हो या फिर जिस भी चीज़ को शुरुआत कर रहे हो, जो मैंने आपको बोला कि हीलिंग्स, मेडिटेशन, जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर के आपको कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगा ना कि कुछ दिन आपने करा उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया, तो फिर वहाँ आकर के दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसे करते रहेंगे रेगुलर में, ठीक है, और उसे एक बर्डन समझकर अगर आप नहीं कर रहे हैं कि ये तो मेरे लिए एक बर्डन है, भाई मेरे ऊपर एक बोझ आ गया है,
तो फिर वो चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि आपको नेगेटिव रिजल्ट देती हैं, आपको बर्डन नहीं समझना, अगर आप उसको ये समझोगे कि यस इस सिचुएशन से मैं हील हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मैं अपने जिसे कहते हैं कि एंसेस्ट्रल जो भी हीलिंग्स थी वो मैं पूरी कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो अगर इस फॉर्म में आप सोचेंगे, ये इंटेंशंस अगर आप डालेंगे, तो आपको यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि मैं सक्सेस देख रही हूँ, कहने का मतलब स्पिरिचुअलिटी में जिस भी जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, जो भी फॉर्म में जिस भी चीज़ को लेकर के आप कर रहे हो, उसमें आपको यहाँ पर सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। मैं आपको यही मैसेज दे रही थी, जो कि ये कन्फर्मेशन है एस ऑफ सोर्स की एनर्जीज, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बोला वही यही एनर्जीज हैं। और हो सकता है यहाँ पर ना लिब्रास आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मुझे बैलेंस नज़र आ रही है आपकी, मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करें, ठीक है, तो वो भी मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ उसे भी जो है एक लाइट वे में कैरी कीजिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि अगर आप उसको एक बर्डन समझ के या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा कि उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पॉजिटिव अपनी उसमें ऊर्जा डाल करके और रेगुलर उसको अगर उसको कंटिन्यू आप करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट फॉर श्योर मिलेंगे। वो देखिए, चाहे आपकी हीलिंग है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका वर्क लाइफ है, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी चीज़ को लेकर के, किसी हेल्दी चीज़ को लेकर के, तो आपको उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपके करियर में भी बोलूँगी कि देखिए किसी भी तरह का बर्डन कैरी मत करो, जितनी लाइट एनर्जीज में रह करके अपनी लाइफ में काम करोगे उतनी ही अबंडेंस को, उतनी ही सक्सेस को आप यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। इस वक्त ना सक्सेस के पीछे भागो मत, मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि आप कहीं ना सक्सेस के पीछे, इन फाइनेंसेस के पीछे, आप इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये 15 दिन भागने के नहीं है, अट्रैक्ट करने के हैं, क्योंकि आप भाग रहे हो, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, तो वो आएगी नहीं चीज़, लेकिन उसे अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट कैसे करोगे, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, उतना काम करो जितना आप कर पा रहे हो, फिर देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से अबंडेंस ओपन होती है, किस तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस आती है, आपके फाइनेंसेस किस तरीके से स्ट्रांग होते हैं। तो यही मैसेज आपके लिए है, कहने का मतलब कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कहाँ करनी है, हमें वहाँ करनी है जो रूट है, जहाँ पर दिक्कत है उधर, ठीक है। अननेसेसरी अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो हम बर्डन कैरी करेंगे, राइट। चलिए और देखते हैं आपके लिए लिब्रास। माय डियर लिब्रास, कुछ लोग ना कहते हैं कि रीडिंग्स बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप अच्छे से मैसेजेस लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने अंदर पेशेंस लेकर के आइए। ओके, लेट्स सी, भोले बाबा प्लीज़ बताइए इन 15 दिनों में क्या ब्लॉकेज हो सकती है, लिब्रास की ब्लॉकेज क्या हो सकती है। टेम्परेंस, पेशेंस की बात कर रही थी मैं आपके लिए पेशेंस का ही कार्ड आ गया आपके लिए। ओके ओके माय डियर, स्ट्रेंथ क्या है हमारे प्यारे लिब्रास की इन 15 दिनों में भोले बाबा। टेन ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड, सी, डीप रूटेड चीज़ों को हील करना, डीप रूटेड प्रॉब्लम से बाहर आना, उस कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट करना, ठीक है। ये जो रूटेड प्रॉब्लम है ना, ये मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे स्कल देख रहे हैं आप, ये कोई इस जन्म की है नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग चले होगी इस वक्त में, ठीक है। तो आपको इस समय बिल्कुल ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में, मैंने बोला ना आपको, जिस भी एरिया में आप चाहते हैं बैलेंस आए, आगे ग्रोथ आए, सक्सेस मिले, जो भी एरिया में आप चाहते हैं, उसके लिए हार्ट चक्रा की हीलिंग चलेगी। और यहाँ पर ना आपका पेशेंस जो है वो ब्लॉकेज है, ठीक है, मैंने बोला ना पेशेंस लाइए अपने अंदर, अपने मन को और अपने दिल को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है, अपने अंदर ठहराव लाइए, अपने अंदर नम्रता लेकर के आइए,
अपने अंदर उस सब्र को लेकर के आइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक स्टिलनेस की एनर्जीज में भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, इस वक्त को आपको बहुत पेशेंटली निकालना है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे, अगर कहोगे अरे मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, कब मिलेगा कब मिलेगा, रीडिंग में तो आया था अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, रीडिंग में तो आएगा आया था डोर्स ओपन हो जाएंगे, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं। मैंने बोला ना, भागो मत उस चीज़ के पीछे, अट्रैक्ट करो। ठीक है, अगर आप अपना जिसे कहते हैं कि फेथ दिखाते हो, ट्रस्ट दिखाते हो और पेशेंटली आप वर्क करते रहोगे तो उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इन 15 दिनों में 10 ऑफ वांड्स है। आप इन सिचुएशंस को हील कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप ही के थ्रू, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे डीएनए में ही तो हमारे एंसेस्टर्स बसते हैं। ठीक है, हम हमारे एंसेस्टर्स ही तो हैं, इसलिए सेल्फ लव क्यों बोला जाता है कि अगर आप सेल्फ लव, अगर आप चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स को खुश करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, वो अपने आप हो जाएंगे, राइट। और एक बात याद रखिए, यस, यहाँ पर शायद किसी को सुनने की ज़रूरत है। जितना आप, हम कहते हैं ना एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है, एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है, तो जितना आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स हील हो रहे हैं। ओके, अगर आप अपने आप को हील कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग हो रही है। ओके, एंड सी यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, ये मैंने शायद कहीं सुना था इन्हें फेरी फ्लावर्स बोलते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो। ये ऐसे लग रहा है जैसे फेरीज पीछे देख रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ओके, और देख लेते हैं भोले बाबा आपको इन 15 दिनों के लिए लिब्रास क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिलीव एंड सक्सीड। वाओ, बॉट बिल्कुल रेडी है, लाइट आ रही है, और आप बस विश्वास रखिए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है माय डियर, ब्यूटीफुल। वाओ, बस अब आपको इस पर चढ़ जाना है और आगे बढ़ जाना है। ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में ट्रैवल बोला आपके लिए, राइट, ट्रैवल है, मैंने आपको बोला था ना, ट्रैवल, चेंज, शिफ्ट होना, चेंजेस आना, या फिर किसी मूव करना कहीं, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। ओके, मे बी आप किसी जर्नी पर जा सकते हो, ये ज़्यादा बड़ी कोई नहीं लग रही मुझे, या फिर आप घर शिफ्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हो, जॉब शिफ्टिंग हो सकती है। ओके, यस, ये जो भी बदलाव है ना, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव है, ये फॉर श्योर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, डाउट्स है कि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ या मैं ये चेंजेस लेकर के आ रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ये सही है। और लिब्रास ये फाइनल कार्ड है ना आपका, यहाँ पर जो आया है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि जो भी आप काम करोगे ना, उसमें बहुत सफलता मिलने वाली है आपको ये 15 दिन, जिस पर भी काम कर रहे हो आप, रिश्तों पर, जॉब पर, हेल्थ पर, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग्स में, जो भी है। ओ वाओ, सी देख लीजिए, एम्ब्रेस, ब्यूटीफुल। ये वर्ल्ड की एनर्जीज है, वो होता है ना, अगेन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ओ माय गॉड, सी लिब्रा, सी, ये हार्ट चक्रा जैसे कि अवेकन हो रहा है, मतलब हील हो चुका है, ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है नहीं, मैं कहूँगी ये ओपन हो चुका है। ठीक है, इनलाइटनमेंट की एनर्जीज है, वो ब्लेसिंग्स आप
पा चुके हो, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करती हूँ, लिटरली ये आई थिंक अब आपको दिख जाएगा, ये हार्ट शेप बना हुआ है और उसमें से रूट्स निकल रहे हैं। डेफिनेटली आप इन्हीं रूट्स को ही हील कर रहे हो, ओके? इन्हीं रूट्स को आप हील कर रहे हो माय डियर, और वो आपको, वो बेसिकली ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज है। एम्ब्रेस 21 नंबर का कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज की कंप्लीशन होना, ओके? एक नया साइकिल स्टार्ट होना और किसी साइकिल को क्लोज कर रहे हो आप, वाओ। और अगर आप इस मैसेज को रिसीव कर पा रहे हो ना, मैं कहूँगी कि आधी लड़ाई तो आपने जीत ही ली है, ठीक है? आदि की वो हीलिंग में हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग तो समझने में ही दिक्कत हो जाती है ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जस्ट ब्रीथ, यस, ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक तो दिखा रहा है आपकी हायर सेल्फ से, आपका कनेक्शन होना, और दूसरा ये दिखा रहा है कि प्लीज समय निकालो अपने लिए, ओके? अपने ये वक्त ना हीलिंग का है, ये फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ये वक्त हीलिंग का है, ये हीलिंग का ही कार्ड है कि अभी इस वक्त आपको अपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, उस पर काम कीजिए, तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे अपनी हायर सेल्फ से, तभी आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाएंगे। ये 15 दिन हीलिंग का है आपका माय डियर, ओके? और अपने आप को जानने क्या है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, वाओ, कि आप बेसिकली अपने आप को जान रहे हो, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो। ये बहुत ही डीप मैसेज है, अपनी सोल से कनेक्ट होना, हार्ट टू हार्ट। ऑब्वियस है, जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा तो आप कनेक्ट तो होंगे ही होंगे अपनी सोल से। ब्यूटिफुल, और बिल्कुल आप अपने लाइफ पर्पस की जो है आपका, बेसिकली जिस काम को आप करने आए हो, उस काम की तरफ आगे बढ़ोगे ही। तो यस माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो ये थी आपकी 15 दिन की रीडिंग। प्लीज़ इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को, अपने एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, और प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को ये मैसेज जानने की ज़रूरत है ना, तो वो उसे जान पाए और उस पर वर्क कर पाए माय डियर, ओके? और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।